नमस्ते बच्चों कक्षा विषय हिंदी हमने आगे एक से लेकर चार अध्ययन कर लिया था उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर पीछे पुनरावर्तन दिया गया है ठीक है आपको अब आप यह पुनरावर्तन में आपको समझाऊंगी और प्रश्न एवं प्रश्न के उत्तर भी हम सब देखेंगे मैं यहाँ बोलूंगी और आप अच्छी तरह से सुनना ठीक है पहला है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए देखिए यहाँ पर कोष्टक दिया गया है और कोष्टक में चार पांच शब्द दिए गए हैं और नीचे ही आपको चार पांच रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब जो सही रिक्त स्थान है वह कोष्टक में से ढूंढ कर आपको रिक्त स्थान में लिख कर वाक्य पूरा करना है ठीक है पहला है सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं क्या आएगा है सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं फिर है दूसरा रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल न गया इसलिए क्या आएगा रमेश को बुखार हुआ था इसलिए वह स्कूल न गया फिर है तीसरा मीना और जेमिनी खाली जगह जा रहे थे क्या आएगा मीना और जेमिनी बाजार जा रहे थे फिर है चौथा मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला क्या आएगा नन्ही ने किसे दलदल से बाहर निकाला था हाँ नन्ही ने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला था फिर है पांचवा शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया शिकारी कहाँ ले गया था को हाँ अस्पताल ले गया था फिर देखिए दूसरा प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला है आपने किन किन कहानियों का पठन किया हमने इकाई पहले में किन किन कहानियों का है पहले में फिर तीसरे में किन किन कहानियों का हमने अध्ययन किया था जैसे दयालु शिकारी बातुनी कछुआ प्यासा कौवा कौवा और लोमड़ी और समझदार नन्ही इन कहानियों का हमने पठन किया था फिर आता है दूसरा। आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्द में लिखिए। अब आपने जो कहानी पढ़ी थी वह आपको आपके अपने शब्द में कोई एक कहानी लिखनी है यह उत्तर आपको आपकी अपनी तरह से लिखना हे, फिर है तीसरा शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया उसका उत्तर है शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी, लगी थी शिकारी हिरनी को शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया वहां डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया फिर है चौथा प्रश्न प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है तो इसका उत्तर है हम विश्व की सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे हम सब में समता और ममता की भावना जगाएं, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा सही कर्तव्य है फिर है पांचवा नन्ही बत्तक का सोफा कैसा था उसका उत्तर है नन्ही की मां ने उसे सिखाया था कि वह पलाई के काम करे जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता है उसके साथ भी वह पलाई करती थी किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी मुसीबत के में पड़े हुए को बचाने का वह अपना फर्ज समझती थी इस प्रकार सबकी भलाई करना ननी का ननी बतक का था। फिर आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके पांच पांच शब्द बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए देखिए आपको हिंदी के मूढ़ाक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है च क्ष तो, अब आपको यह जो शब्द दिए गए हैं वह शब्द में आपको पांच पांच शब्द बनाना है जैसे च से चमेली चंद्रमा चंपा फिर क्ष से क्षत्रिय क्षमा फिर त से तरबूज तमाशा तलवार फिर से पवन भक्त आदि शब्द बनते आपको नए शब्द बनाने और उन शब्द में से वाक्य बनाना है जैसे पहला है च तो चमेली का फूल खुशबूदार होता फिर है क्ष क्षमा वीरों का भूषण है फिर है, है, है तरबूज बहुत मीठा होता है फिर है प, तो भजन गांधी जी रोज भजन करते हैं, ठीक है इस तरह से आपको पांच शब, पांच शब्द बनाने हैं और वाक्य भी बनाने हैं आपको यह जो है वह अपनी तरह से करना है ठीक है फिर आगे है चौथा प्रश्न समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए समान प्रास वाले तो वह समान तरीके से बोले जाते हैं ऐसे शब्द जैसे सामाजिक है तो सामाजिक का उत्तर क्या आएगा प्रामाणिक सांसारिक पारिवारिक व्यावहारिक यह शब्द बनते हैं जिसमें इसमें देखिए सामाजिक में, में कब पैसे आता है तो प्रामाणिक में भी क पीछे आता है सांसारिक में भी क पीछे आता है और पारिवारिक में भी क पीछे आता है इसके उपरांत व्यावहारिक में भी क पीछे आता है इस तरह समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं फिर है दूसरा मानवता तो दानवता सज्जनता स्वतंत्रता फिर है तीसरा भलाई तो उसका उत्तर आएगा बुराई हवाई जुदाई ठीक है फिर है चौथा खबराहट तो क्या आएगा खड़खड़ाहट सरसराहट फड़फड़ाहट ठीक है इस तरह से आएगा फिर देखिए पांचवा प्रश्न है अंकों को शब्द में और शब्दों को अंक में लिखना है यहाँ तो मैंने आपको सिखाया था गिनती में याद है ना यहां आपको जो अंक में है वह शब्द में लिखना है और शब्द में है वह अंक में लिखना है फिर देखते हैं छठा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए स्वच्छ तो क्या आएगा अस्वच्छ उसका वाक्य है यह कर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है फिर है दूसरा देश तो क्या आएगा विदेश तो उसका वाक्य है पिताजी विदेश गए हुए है फिर है तीसरा प्रिय तो क्या आएगा अप्रिय मुझे करेले की सब्जी है। है फिर है चौथा अधिक तो क्या आएगा कम चाय में कम शक्कर डालिए ठीक है फिर है प्रश्न सातवा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अब यहाँ हमने विरोधी शब्द को विरोधी शब्द लिखे और उसके वाक्य में प्रयोग की दिए अब हमें समानार्थी शब्द में समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं और उसके भी वाक्य में प्रयोग करने हैं ठीक है थीके? पहला है सूर्य तो क्या आएगा रवि दिन में हमें रवि प्रकाश देता है फिर है दूसरा भूमि तो क्या आएगा जमीन यहाँ की जमीन उपजाऊ है फिर है तीसरा प्राण तो क्या आएगा जान दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई फिर है चौथा सहसा तो क्या आएगा अचानक ठीक है उसका उत्तर आएगा चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई अब आगे देखते हैं आठवां प्रश्न नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए आठ से दस वाक्य में लिखिए अब देखिए यहाँ पर एक गांव का चित्र दिया गया है और उसके आधार पर वाक्य में प्रयोग करना है मैं बोलती हूँ आप लोग अच्छी तरह से सुनना ठीक है इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है नदी में तीन बथके तैर रही है बगुला चोच में माछली को पकड़े हुए है एक लड़का बरगद की दो जड़ों से झूल रहा है एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है दो लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है दो स्त्रिया गाड़ से लौट रही है एक के सिर पर दो गड़े रखे हुए हैं और दूसरी के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े भी रखे हुए हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है एक मंदिर 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 के के छज्जे पर पर मोर बैठा हुआ है। है। लहरा रही बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है बरकत के पेड़ पर एक पक्षी घोसले में अंडों के पास बैठा है नारियल के दो पेड़ के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है फिर आगे देखते हैं और दूसरा लड़का हाथ में कुछ इशारा कर रहा है दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है और आकाश में पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खरगोश यहाँ पर बैठा है वह दिखाई दे रहा है ठीक है यह इस तरह से आपको चित्र का वर्णन करना है और आगे देखिए दिया गया है नया प्रश्न नौवा प्रश्न आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में टायर पंचर हो जाता है इस घटना का वर्णन कीजिए अब आपको यह घटना का वर्णन इस घटना का वर्णन कीजिए अब आगे देखते हैं प्रश्न दस चित्र के आधार पर कहानी लिखिए देखिए यह कहानी हमने गुजराती में सुनी होगी और आज हम यह कहानी हिंदी में भी सुनते हैं। ठीक है इसका शीर्षक है बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई भी आप सब लिख सकते हैं। एक बंदर था वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था पेड़ पर मीठे मीठे फल थे बंदर फल खाता और खुश रहता था एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए मगर और बंदर में दोस्ती हो गई मगर ने कहा मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे फल खाता हूँ अब तुम भी तो मेरे घर चलो वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा बंदर मगर की बात में आ गया वह मगर की पीठ पर बैठ गया नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ बंदर घबरा गया मगर उसने बुद्धि से काम लिया उसने कहा अरे अब कलेजा तो मेरा पेड़ पर ही रह गया है तुम मुझे कैसे खाओगे तुम मुझे पहले कहते अब लौटकर किनारे चलो मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा बंदर मगर की पीठ पर से उछलकर पेड़ पर जाकर बैठ गया और बोला मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है वह तो हमारे शरीर में ही होता है भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई चलो बच्चों हमें इससे क्या सीख मिलती है हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी हमें मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो फिर भी हमें हमेशा बुद्धि से और विचार करके ही काम लेना चाहिए ठीक है अब चलो बच्चों हमने प्रश्न एक से लेकर दस तक का अध्ययन किया आपको आपकी हिंदी की स्वाद्य पोथी में यह जो पुनरावर्तन एक है वह लिखना है ठीक है नमस्ते बच्चों